तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कुछ इस टाइप की क्रिएटिव एडिटिंग। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग को अपनी फोटो कुछ इस टाइप से एडिट करना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोग को अच्छे समझाऊंगा मैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, साइड का बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आप लोग के लिए ऐसी फोटो एडिटिंग वीडियोस मैं लाते रहता हूँ, और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। और आप लोगों से कुछ बात करना चाहता था मैं कि अभी बोर्ड एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं, तो मुझे माफ़ कर दीजिए, अभी वीडियोज़ कुछ कम आएंगे। तो उसके बाद में, एग्जाम्स के बाद में आप लोग को रेगुलर वीडियो मिलेंगे, तो चैनल में बने रहिएगा, वरना आप लोग सोचोगे कि मतलब वीडियो भी अपलोड नहीं कर रहा है जी, तो आप लोग ये सोचोगे कि मतलब छोड़ दिया चैनल। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं आप मतलब थोड़ा सा आराम से वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, तो आप भी समझ सकते हो। तो चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ, ज़्यादा आप लोग का समय वेस्ट नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, फोटो एडिट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कुछ इस टाइप की पोज में एक फोटो क्लिक करवाना है आप लोग को। मतलब आप लोग को ऐसे फोटो क्लिक करवाना है कि आप लोग नीचे के साइड में देख रहे हो, इस टाइप से आप लोग पोज में फोटो क्लिक करवा सकते हो, जैसा आप लोग को अच्छा लगे, ठीक है। और फोटो क्लिक करवाने के बाद में आप लोग को क्या करना है, इस बैकग्राउंड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग को इसे डाउनलोड कर लेना है और इसे यहाँ से शेयर कर लेना है अपने पिक्सआर्ट ऐप में। और इसके बाद में आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग को क्या करना है। तो यहाँ पर हम लोग चले आते हैं सबसे पहले तो अपने पिक्सआर्ट ऐप में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने पिक्सआर्ट ऐप में, और इसके बाद में आप लोग को यहाँ पे अपने मॉडल को ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं अपने ऐड फोटो में, और उसके बाद में यहाँ पे अपने मॉडल की जो फोटो है उसे यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ये रही हमारे मॉडल की फोटो, तो इसका जो बैकग्राउंड है उसको इरेज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे जल्दी से। यहाँ पे रेजर में जाते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे बैकग्राउंड में इरेज कर लेता हूँ जल्दी से, यहाँ पे इसका हार्डनेस बढ़ा के, साइज बढ़ा के, तो यहाँ पे मैं जल्दी से कर देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बैकग्राउंड इरेज होने के बाद में आप लोग को यहाँ पे कर लेना है डन, और उसके बाद में अपने मॉडल को कुछ स्टेप से ऐसे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले से यहाँ पे शैडो बनी हुएगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थोड़ी सी, ठीक है, तो उसमें आप लोग की फ़ोटो बहुत ही बढ़िया लगेगी, ठीक है। और उसके बाद में आप लोग को कुछ स्टेप से अपने मॉडल को ऐड कर लेना है, और ऐड करने के बाद में आप लोग को यहाँ पे क्या करना है आप लोग को बताता हूँ मैं। और यहाँ पे आप लोग को इरेजर में जाना है, और इरेजर में जाने के बाद में आप लोग को इरेजर का साइज़ कुछ इस टाइप से यहाँ पे रख लेना है, और इसके बाद आप लोग को यहाँ पे नीचे के साइड से थोड़ा थोड़ा इरेज कर लेना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ओके। इस टाइप से आप लोग कर लेने के बाद में आप लोग को यहाँ पे कर लेना है सिंपली डन, ठीक है। डन करने के बाद में अभी भी ये मतलब अच्छे से नहीं लग रहा है कि मतलब अच्छे से हम लोगों ने पानी में है नहीं, ऐसा लग नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से जाएंगे अपने ऐड फोटो में, और एक PNG आप लोग को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो उसे आप लोग को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ, और उसे कैसे ऐड करना है आप लोग को बताता हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पर इस PNG को हम लोग ऐसे ऐड करते हैं यहाँ पर सबसे पहले, तो एक PNG यहाँ पर हम लोग इस टाइप से ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा आप लोग को यहाँ पे लगा लेना है फ्रेंड्स, ओके। और उसके बाद में आप लोग को इसे रेस कर लेना है, जैसे ये यहाँ पे एक्स्ट्रा है यहाँ पे साइड में, तो इसे हम लोग यहाँ पे रेस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा रेस कर लेते हैं हम लोग, और उसके बाद मतलब ये स्क्वायर टाइप का है ना, उस टाइप मतलब उधर तरफ में आप लोग को कर लेना है, और यहाँ पर डन कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को डबल करना है तो आप लोग इसे डबल करके और भी मतलब यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर और कर लिए, ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और इरेज कर लेता हूँ मैं, जिसमें मतलब ये अच्छा लगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर लिया हूँ फ्रेंड्स। और उसके बाद यहाँ पे कर लेता हूँ डन, ठीक है, कुछ इस टाइप से आप लोग को यहाँ पे कर लेना है। और उसके बाद में आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को ऐड फोटो में जाना है, ओके। ऐड फोटो में जाने के बाद में आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, एक PNG मिल जाएगी आप लोगों को, तो उसे आप लोग को यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे ये PNG है, इसे हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो इसके बाद में आप लोग को क्या करना है, इसे आप लोग को नीचे के साइड में कर लेना है, तो यहाँ पर हम लोग इसमें क्लिक करते हैं, ठीक है, मूव डाउन में, तो यहाँ पे मतलब आप लोग को पूरा नीचे कर लेना है, ठीक है, पूरा। और उसके बाद यहाँ पे PNG हमारी पीछे हो जाएगी, तो कुछ इस टाइप से आप लोग को इसे ऐसे ऐड कर लेना है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग को ऐसे ऐड करने के बाद में ऐसे आप लोग को ऐड कर लेना है, और उसके बाद इसे आप लोग डबल कर लीजिएगा, और डबल करने के बाद फिर से आप लोग को इसे नीचे कर लेना है, और उसके बाद में यहाँ पर आप लोग को जाना है इसमें, इस आइकॉन में, ठीक है, और इसको आप लोग को रोटेट कर लेना है, और उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐसे लगा लेना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। तो इस टाइप से आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख के, जैसे मैं आप लोग के मॉडल में ऐड हो रहा है उस टाइप से आप लोग को यहाँ पे ऐड कर लेना है फ्रेंड्स। और ऐसा करने के बाद में आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे सिंपली आप लोग डन कर लीजिएगा। उससे पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमें अपने मॉडल में करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जाते हैं अपने एडजस्टमेंट में, मतलब यहाँ पर एडजस्ट में, और उसके बाद यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, जिसमें आप लोग को आप लोग की जो भी फोटो होती है बहुत ही बढ़िया लगने लगती है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ब्राइटनेस को बढ़ा लिया हूँ फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद यहाँ पर सैचुरेशन है, तो सैचुरेशन को थोड़ा सा यहाँ पर कम करूँगा फ्रेंड्स,
डिफरेंस कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे जाता हूँ अपने हाइलाइट्स में और हाइलाइट्स को यहाँ पे बढ़ाऊँगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ शेडोज़ में जाता हूँ और शेडोज़ को भी यहाँ पे बढ़ा लूँगा फ्रेंड्स। और उसके बाद यहाँ पे टेम्प में जाऊँगा और टेम्प को थोड़ा सा यहाँ पे माइनस में करूँगा, माइनस 9 या 10 कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे करने के बाद में यहाँ पे आप लोग को कर लेना है सिंपली डन। और डन करने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मतलब अच्छे से इरेज नहीं करा था, तो यहाँ पे अच्छे से इरेज कर लेता हूँ, मेरे को दिख गया है, ठीक है, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तो इसे मैं यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, तो इसे इरेज कर लिया फ्रेंड्स। उसके बाद में यहाँ पे डन कर लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं डन कर लेता हूँ, ओके। कुछ स्टेप से आप लोग को कर लेना है और एक और मतलब आप लोग को एक PNG और मिल जाएगी, तो उसे आप लोग को यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड फोटो में जाते हैं हम लोग सिंपली, और इसके बाद में यहाँ ये PNG जो है ना आप लोग को ये मिल जाएंगी, तो इसे आप लोग को डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पे कुछ स्टेप से इसे ऐड कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड इसका चेंज कर लीजिएगा स्क्रीन करके, और इसे आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो कुछ स्टेप से, या फिर आप लोग ऐसे ऊपर के साइड से लगा सकते हो। तो मुझे ऊपर के साइड में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऊपर में लगा लेता हूँ और सिंपली यहाँ पे डन कर लेता हूँ फ्रेंड्स। और आप लोग अपने लोगो भी लगा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे जाना है अपने ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद सिंपली आप लोग को यहाँ पे अपनी फोटो को सेव कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग लाइटरूम ऐप का रिटच जरूर देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जो आ जाता है ना, अगर ऐसे मतलब आप लोग की फोटो में छोटा छोटा यहाँ पे आ जाता है ये येलो कलर का, रेड कलर का, तो आप लोग कैसे इरेज कर सकते हो आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग लॉन्ग प्रेस कीजिएगा या फिर आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे कलर्स में क्लिक करना है और कलर्स में क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आप लोग के साइड में कलर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाइट है तो हम लोग व्हाइट को कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग को कुछ इस टाइप से साइज रख लेना है, वैसे आपसे बन ही जाता होगा, फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ जिसमें आप लोग की कभी भी प्रॉब्लम ना हो, जिससे नहीं बनता है तो इससे आप लोग इसे ड्रॉ कर लीजिएगा तो जिसमें ये रिमूव हो जाए, तो इस टाइप से आप लोग को इसे रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जल्दी से लेता हूँ, ठीक है, तो ये हो चुका है, ओके। आप लोग आराम से करिएगा, यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने कर दिया और भी है, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद में आप लोग को यहाँ पे अपनी फोटो में छोटा सा कट लगा लेना है फ्रेंड्स, जिसमें हमारी जो फोटो होती है वो अच्छी क्वालिटी में सेव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा हम लोग यहाँ पे सिंपली कट लगा लेते हैं और यहाँ पे अपनी फोटो को सेव कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग सेव कर लेते हैं और उसके बाद में यहाँ से चले जाएंगे अपने लाइटरूम ऐप में। तो यहाँ पे हमारी फोटो सेव हो रही है फ्रेंड्स, तो एक मिनट रुकिए, ये सेव हो चुकी है। तो यहाँ से हम लोग चले जाते हैं अपने लाइटरूम ऐप में, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने लाइटरूम ऐप में। उसके बाद में आप लोग को यहाँ पे अपनी फोटो को सिंपली ऐड कर लेना है, तो यहाँ पे हमारी फोटो को ऐड कर लेते हैं। तो एक मिनट की ये आ चुकी है, इसे हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारी फोटो आ रही है, ये रही, तो इसे ओपन कर लेते हैं हम लोग। और इसके बाद में आप लोग को यहाँ पे करना है, आप लोग को बताता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन हो जाए, एक मिनट रुकिए, तो ये ओपन हो चुकी है। उसके बाद में आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा रिटच करना है, तो यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं अपने इस आइकॉन में और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कम करने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग कम ही कर देते हैं। और यहाँ पे आप लोग क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा हाइलाइट्स को बढ़ा लेना है, ठीक है। और उसके बाद में आप लोग को अपनी फोटो के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है, और आप लोग करते जाइएगा। और उसके बाद में आप लोग को शैडोज़ को क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ा लेना है। उसके बाद यहाँ पे वाइट्स को भी बढ़ा लेना है और ब्लैक्स को थोड़ा सा यहाँ पे कम कर लेना है, ठीक है। इस टाइप से करने के बाद में आप लोग को यहाँ पे जाना है इस आइकॉन में और उसके बाद यहाँ मिक्स में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप लोग को ऑरेंज में क्लिक करना है, जैसे कि हमारा फेस का कलर होता है, तो हम इसका सैचुरेशन कम कर लेंगे और यहाँ पे ल्यूमिनस को बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे हमारा जो फेस है और भी ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आप लोग क्या करना है, यहाँ पे ब्लू का सैचुरेशन थोड़ा सा यहाँ पे मैं बढ़ाना चाहता हूँ, ओके। और उसके बाद यहाँ पे कर लूँगा डन, ठीक है। और उसके बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेम्प है तो टेम्प को थोड़ा सा यहाँ पे मैं माइनस में करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा माइनस में कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद में क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ ब्लू में और ब्लू का थोड़ा सा मैं ह्यू को कम करूँगा, ठीक है, थोड़ा सा ह्यू को कम कर लेता हूँ, ठीक है। तो और भी बढ़िया लग रहा है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। कुछ स्टेप से आप लोग कर सकते हो, अगर आप लोग को नहीं करना है तो आप लोग नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में आप लोग को डन कर लेना है फ्रेंड्स। और उसके बाद में आप लोग को यहाँ पे जाना है आइकॉन में और उसके बाद यहाँ टेक्सचर थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा फ्रेंड्स। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्लियरिटी को भी बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को डिजाइन को कुछ नहीं करना है, अगर आप लोग को बनाना है तो आप लोग बढ़ा भी सकते हो, पर यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा विग्नेट इफेक्ट यहाँ पे कम कर लेता हूँ। और उसके बाद में क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा आइकॉन में, यहाँ पे थोड़ा सा शार्पनेसिंग बढ़ा लेता हूँ, ओके। और उसके बाद में क्या करूँगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी फोटो बहुत ही बढ़िया लग रही है। कुछ स्टेप्स थी हमारी पिक्सआर्ट ऐप में और हम लोगों ने यहाँ पे लाइटरूम ऐप में ऐसा कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया फोटो लग रही है हमारी, यहाँ पे थोड़ा सा कलर भी मैच हो रहे हैं। अगर आप लोग को इसे अगर जो हमारा ब्लू का हम लोगों ने टेम्प को बढ़ाए मतलब कम करे थे, अगर आप लोग को नहीं करना है तो आप लोग नहीं भी कर सकते हो, ऐसे में भी बहुत ही बढ़िया फोटो लगती है, देख सकते हैं आप लोग। तो इस टाइप से भी आप लोग अपनी फोटो एडिट कर सकते हो, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारी फोटो लग रही है। तो फ्रेंड्स यहीं तक हमारा
वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके साइड के बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आप लोग के लिए ऐसी फोटो एडिटिंग वीडियोस मैं लाते रहता हूँ, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग अपनी फोटो को सेव कर लेते हैं, यहाँ पे शेयर में क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग सेव टू डिवाइस में क्लिक करके और यहाँ पे हमारी फोटो को सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी फोटो सेव हो रही है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।